फारूक अब्दुल्ला के दिमाग में कश्मीर पर आखिर चल क्या रहा है? क्या फारूक अब्दुल्ला इस लोकतंत्र का कैंसर हो गए हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के शरीर को अंदर ही अंदर खोखला करके रख देती है। ठीक उसी तरह जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के मुद्दे पर अपने बेतुके बयानों के जरिए देश को खोखला करने में जुटे दिखाई देते हैं। दरअसल फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को कश्मीर को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मोदी सरकार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में तिरंगा फहराने की बात करती है, लेकिन पहले वो श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराकर दिखाए। वो ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन पीओके की बात करते हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान फारूक अब्दुल्ला कश्मीर को लेकर अपने पहले के बयान का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि अगर आपको सच सुनना पसंद नहीं है तो भुलावे में ही रहे। सच यही है कि पीओके हमारा हिस्सा नहीं है और ये हमारा वाला जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, और सच यही है। उधर फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर देश में सियासी बवाल मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अलगाववादियों और आतंकियों को मजबूत करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लाल चौक समेत राज्य के हर हिस्से में तिरंगा फहराया जा रहा है। ये पूरी दुनिया जानती है कि पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। देश के संविधान में इसका साफ जिक्र है। देश की पहली जवाहरलाल नेहरू सरकार से लेकर मौजूदा नरेंद्र मोदी की सरकार भी कश्मीर पर पाकिस्तानी कब्जे को गैर कानूनी ही मानती आ रही है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला जिस तरह से अपने बयानों के जरिए कश्मीर पर भारत के दावों को चोट पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे उनकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।